नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल गुरु चैनल पर। आज हम इड्रोफॉस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इड्रोफॉस टैबलेट का मुख्य उपयोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में आने वाली कमजोरी की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की तीन टैबलेट की यह स्ट्रिप आपको 795 रुपये में डॉक्टर के पर्ची पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। इड्रोफॉस टैबलेट में इबेंड्रोनिक एसिड 150 mg यह कंटेंट समस्ट है। इसमें मौजूद इबेंड्रोनिक एसिड यह बिस्पोफोनिड नामक दवा की एक श्रेणी से संबंध रखता है। यह हड्डियों को नष्ट करने वाले ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं की एक्टिविटी को दबाकर काम करता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करता है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। यह एक सामान्य स्थिति है जो हड्डियों को कमजोर बनाती है, जिससे वे नरम हो जाती है तथा उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। यह ज्यादातर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद या फिर जो स्टेरॉयड ले रही होती है उनमें होती है। इस कंडीशन को हड्डियों को मजबूत करने वाली दवाओं से ठीक किया जा सकता है। यह टैबलेट आपके शरीर में हड्डी के क्षय की दर को धीमा करती है। यह हड्डियों के घनत्व को बनाए रखती है और आप में हड्डी टूटने के जोखिम को कम करती है। बात करते हैं इस टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट्स महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट से आपको अपचन, सिर दर्द, सीने में जलन होना, डायरिया और मस्कोस्केलेटल पेन यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह टैबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करिए, ताकि आपको ओवरडोज या फिर ड्रग इंट्रैक्शन ना हो। यदि इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। यदि आपको लीवर या फिर किडनी जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। यह टैबलेट लेने से पहले या फिर बाद में अल्कोहल का प्रयोग ना करें। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और रेंज बताकर इस टैबलेट का डोज आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूछ लें। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस टैबलेट का डोज अलग हो सकता है, इसलिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।